आर्टिस्ट पहले हो या इंसान? इंसान पहले हो, क्योंकि a lot of people, why I ask you this question, this might sound a bit stupid to some of the people, but बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपने character में जीने लगते हैं। हाँ, वो जो हाँ, तो मैं switch करते रहता हूँ। मेरा बहुत unique switch है। तो between Naved and Nezi, Naved is the person, Nezi is the artist. तो इसमें मेरा स्विच रोल होते रहता है। मैं फैमिली में नेजी नावेद रहता हूँ, नेजी स्टूडियोस में रहता हूँ, मस्जिद में नावेद रहता हूँ, फिर ट्रैवलिंग में कभी नावेद कभी नेजी, तो मैं स्विच करते रहता हूँ। तो जब मैं आर्टिस्ट में रहता हूँ तो मैं अपने जोन में रहता हूँ, फिर मेरी ह्यूमिलिटी अलग हो जाती है, फिर मेरा हम्बल एटीट्यूड हो जाता है कि मैं कुछ ओन करता हूँ, मेरे कुछ सलाहियत है, काबिलियत है, कुछ कुछ मुझे आता है तो उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। और जब मैं नावेद रहता हूँ तो फ्रेंडली नेचर रहता है, ज्यादा इमोशनल रहता हूँ, मनुष्य रहता हूँ, कि लोगों से मिलता जुलता हूँ। तो वो अपने आप में एक स्विच रोल है मेरा, वो मैं स्विच करते रहता हूँ टाइम आने पर, वक्त आने पर, माहौल के हिसाब से, सराउंडिंग्स के हिसाब से। तो उसमें मुझे एक बैलेंस फाइंड आउट करना था, तो इतने सालों से मैं वही समझ रहा था। शुरुआती दिनों में मुझे बहुत परेशानियां हुई कि जब मैं मेरा आर्टिस्ट सेल्फ बहुत ज्यादा ऊपर आ गया था, तो मैंने लोगों की कदर करना कम कर दी थी, वैल्यू नहीं करता था। तो वो चीजें मुझे सबक सीखने मिला लाइफ में, तो अब मैं चीजों की वैल्यू करने लगा हूँ। जो भी चीज है मेरे लिए वो सब एक गिफ्ट है गॉड का, और वो सब की मेरे ज्यादा वैल्यू हो गई है अभी, मैं समझने लगा हूँ उसकी कितनी वैल्यू है। और आर्टिस्ट रहना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, ये बात मुझे समझ में है कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सब लोग आर्टिस्ट नहीं होते, और तुम अगर आर्टिस्ट हो तो वो एक बड़ा ब्लेसिंग है तुम्हारे ऊपर, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। तो ये सब चीजों को भी मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब मुझे सब समझ आने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। जरूरी है कि आर्टिस्ट को आर्टिस्ट गिरे, ऐसा जरूरी जिंदगी में, क्योंकि शुरुआत चलने से होती है, फिर दौड़ना शुरू करते हैं, फिर और तेज दौड़ना शुरू करते हैं, कई बार अपने आसपास वाली लाइक एज यू वर स्पीकिंग के कहीं ना कहीं एक एरोगेंस सेट इन हो जाती है, आप इंसान को इंसान समझना बंद कर देते हो, मैं मेरा मैं ही हूँ। ये होना, ये साइकिल पूरी होना जरूरी है इंसान एक आर्टिस्ट के लिए। हाँ, मेरे ख्याल से अलग अलग लोगों का अलग अलग वो रहता है कि अभी मुझे ऐसा लगने लगा था कि कलाकारी सबसे नहीं होती है, जो मैं करता हूँ बहुत यूनिक है, और मैं उसमें वो थोड़ा मैजिकल स्टफ था मेरा, जो भी मैं लिखता था वो सब ऐसा लगता था कि ये मैंने खुद क्रिएट किया हो। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऊपर वाले की दीवी एक देन है, ये जो मैजिक है, मैजिक नहीं, ये नेचर है, ये काबिलियत, ये सलाहियत नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है। तो उसको अडेप्ट करना पड़ा मुझे, और उसके लिए उससे पहले तक मैं बहुत ज्यादा फ्लाई था कि मेरे से ही हुआ, मैंने खुद किया, और जो मैं पना होता है, और वो चीज थोड़ा बहुत मेरे अंदर आ गई थी, तो मैं बहुत प्राउड था, प्राइड मेरा बढ़ गया था कि भाई मुंबई से, वेस्ट कोस्ट से स्लैंग आता है, बम्बई है स्लैंग, सबसे हार्ड, सबसे खतरनाक, सबसे रावस, बैक टू बैक राइम करता है, फास्ट बोलता है, हर चीज, मतलब हर चीज मेरी 100 100 100 100 हो गई थी। तो वो मीटर टूट गया कहीं, फिर उसको वापस कलेक्ट किया, पीसेस को जमा किया, और एक नया तरीका सोचा कि अब मुझे इस चीज के बारे में हम्बल रह गए, इसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो छीन लिया जाता है भाई, अगर तुम उसको प्रोटेक्ट नहीं करे, तुम उसके बारे में प्राउड हो गए ज्यादा, तुम समझने लगे तुमने खुद किया है, तो वो छीन लेता है ऊपर वाला तुम्हारे से। तो वैसा होने से पहले मुझे ध्यान आ गया, ख्याल आ गया कि नहीं, मुझे मेरे फैमिली में जैसे लोग हैं, और जो जो मैं अपने घर वालों से सीखा हूँ, जो मैं एरिया वालों से सीखा हूँ, मैं जिस शहर से आता हूँ, तो वो सब मुझे समझ में आया कि मुझे जो मेरी लर्निंग्स है, जो मेरी टीचिंग्स है, वो अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे उसको ग्रांटेड नहीं लेना है। तो मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया फिर।